हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ का जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 ICSE या CBSE। न्यूटन सेकेंड लॉ में हम मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या फार्मूला आप इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सेकेंड लॉ जो है वो मोमेंटम से रिलेटेड है। सो P इज इक्वल टू एम इन टू वी, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी। तो फार्मूला है एम इन टू वी। सेकेंड फार्मूला है जो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये मेन फार्मूला है। फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एम एक्सेलरेशन को वी माइनस यू बाई टी वी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन से वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये सब आपको लगाना ही पड़ेगा इस लॉ का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तो ये फार्मूला है। तो इसके बेस में चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 केजी फॉर 3 सेकंड्स इनिशियली एट रेस्ट। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड चेंज इन मोमेंटम इन 3 सेकंड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो जो वैल्यू दिया है इन्फॉर्मेशन वो लिख लीजिए। 10 न्यूटन, एफ इजिकल टू 10 न्यूटन, मास इजिकल टू 2 केजी और टाइम इक्वल्स टू 3 सेकंड्स, और एक वैल्यू भी दिया हुआ है, आप पता कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम बच्चे खाली ये नंबर्स देख लेते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर देखिए, इनिशियली एट रेस्ट बोला है तो यू इजिकल टू 0 दिया है। तो ये भी आपको अच्छे से क्वेश्चन में पढ़ना है, इनिशियली एट रेस्ट तो U 0, फाइनली कम्स टू रेस्ट या बॉडी कम्स टू रेस्ट तो V 0, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। अभी चलिए क्वेश्चन है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, तो 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होता है, ठीक है। अभी 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी इसमें U तो है, टाइम भी है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब हमको एक्सेलरेशन निकालना है। सो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो ये फार्मूला से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एफ क्या है, 10 न्यूटन, एम क्या है, 2, सो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अभी यहाँ पर एक और बात मैं बताऊँ, ये यूनिट चेक करना आपको, जैसे ये न्यूटन दिया है, केजी, तो बोथ आर इन एसआई यूनिट, तो आपको प्रोसीड कीजिए, चेंज करने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये आ गया। अभी आप लगा लीजिए फाइनल वेलोसिटी u प्लस ए टी, ठीक है। अभी u कितना है, 0 प्लस a 5 टाइम 3 सेकंड्स, सो ये 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये फाइनल वेलोसिटी है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से दिया है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें यू दिया है, टाइम दिया है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया। तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन फिर इस फार्मूले से निकालेंगे, एफ इजिकल टू एम ए इजिकल टू एफ बाई एम, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट है चेंज इन मोमेंटम। अभी डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो एम वी माइनस एम यू, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो एम वी माइनस यू डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मास दिया है, यस, फाइनल वेलोसिटी मिल गया 15, यस, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम निकाल रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सेकेंड लॉ में क्या बताता है, एफ इजिकल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा पी हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा मतलब चेंज इन टाइम,
तो कितना फोर्स लग रहा है 10, कितना टाइम चेंज हुआ 3 सेकंड्स, सो 30 केजी मीटर पर सेकंड। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो आसान है आपके लिए वही करना है। आईसीएससी आपको दोनों में मार्क्स दे देगा, आपके टीचर्स आपको मार्क्स दे देंगे। मेथड कोई भी कर सकते हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए, आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है न्यूटन सेकेंड लॉ का सॉल्व करने के लिए। चलिए और भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम जाते हैं, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम। व्हाट एक्सेलरेशन विल बी कॉज्ड बाय द सेम फोर्स इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी फोर्स के बारे में दिया है, मास के बारे में दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है। दो मासेस हैं, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन है, पहला एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड इसका इन द मास ऑफ, यानी कि पहला मास है 500 ग्राम। फिर व्हाट एक्सेलरेशन विल बी कॉज्ड बाय द सेम फोर्स इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो इसका मतलब सेकंड एक्सेलरेशन हमको निकालना है ऑन द सेकंड बॉडी, सो m2 5 kg। तो ये क्वेश्चन है, फोर्स इज सेम, सो सेम फोर्स, ये ध्यान देना है, सेम फोर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें केजी दिया है, इसमें ग्राम दिया है, इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, तो इसको हम चेंज कर देते हैं बाय 1000 करने से क्या हो जाएगा, केजी बन जाएगा, सो हाफ केजी ये आ गया। तो मास वन इज़ हाफ केजी। अभी सेम फोर्स लगता है इसमें भी, ठीक है। अभी फोर्स यदि मालूम चल जाए तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इससे हम फोर्स निकाल लेंगे, सो एफ इजिकल टू m1 a1, ठीक है। तो m1 कितना है हाफ और a1 कितना है 10, सो ये 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अभी यही न्यूटन जो है इसमें भी लगेगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a2 इजिकल टू f/m2, f2 नहीं लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज सेम फोर्स इज एक्टिंग, यहाँ जो f है सेम फोर्स यहाँ भी है। तो वी कैन टेक दिस फोर्स f/m2 है, यानी कि 5/5 kg, सो 1 m/s². तो इस तरह से हमको निकालना है, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे पहले बॉडी में फोर्स क्या होगा m1 a1, दूसरे बॉडी में फोर्स क्या होगा m2 a2। तो ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, m1 a1 इजिकल टू m2 a2, फोर्स ऑन 1 फोर्स ऑन 2, सो f1 इजिकल टू f2। तो देखिए m1 दिया है, a1 दिया है, a2 निकालना है, m2 दिया है, तो आप इसे वैल्यू पुट कीजिए तो सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है। सो अगेन यू कैन फॉलो एनी मेथड यू लाइक, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन 3 हम कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, अ फोर्स एक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, ओके। द फोर्स इज देन विदड्रॉन एंड द बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 m/s, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो ये आपका क्वेश्चन है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, है ना, तो वेलोसिटी, रेस्ट, तो ये पता चल जाता है। तो ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। सो टाइम इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, सेकेंड क्या है, मास दिया है 2 kg, इनिशियली एट रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी 0, फोर्स इज देन विदड्रॉन एंड द बॉडी मूव्स देन द बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 m/s। तो ये जो है ये वेलोसिटी अटेंड एंड दिस फोर्स इज अप्लाइड, दैट मीन्स दिस इज द फाइनल वेलोसिटी 2 m/s। ओके, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया, टाइम दिया है, मास दिया है, यू वी,
हमको बोलता है फोर्स निकालो। अभी देखिए ये वाला रेडीमेड फार्मूला हमारे पास है, फोर्स नंबर फार्मूला नंबर 3, ठीक है, एम वी माइनस यू बाई टी। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है, तो इसको पुट कर देते हैं। पुट करने से पहले यूनिट चेक कर लीजिए, ठीक है, यूनिट चेक करना बहुत ज़रूरी है, सेकेंड, के जी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो सभी ऐसा यूनिट में है, जस्ट पुट कर दीजिए। सॉरी, मास इज 2 kg, सो 2 × 2/1 × 10, ओके, सो ये 40 N आ गया। तो देखिए कितना आसान से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन लिखिए, फिर रिलेटेड फार्मूला चूज कीजिए, फिर वैल्यू पुट कीजिए, यूनिट चेक करिए और लास्ट में सही यूनिट लिखना, ओके। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, वी माइनस यू बाई टी, सो 2 − 0 / 0.1, सो 20 m/s². अभी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो 2 × 20, सो 40 N आए। तो चाहे आप ये भी कर सकते हैं, मैं 2 मेथड बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़ करने के लिए नहीं, ओके। तो आपको जो आसान लगता है वो करना, जब आपको आसान लगेगा मेथड आपको समझ में आएगा, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल बेसिक समझने के बाद कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहे ये भी कर सकते हैं, कोई किसी को डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना अच्छा लगता है, किसी को पार्ट बाय पार्ट करना अच्छा लगता है, सो बोथ आर करेक्ट, बोथ विल गिव यू फुल मार्क्स। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इन्फॉर्मेशन लिखिए, फार्मूला लिखिए, सॉल्व कीजिए, तो सिंपल सा तरीका है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। अभी चलिए ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अभी अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपन बाय अ फोर्स व्हिच कॉजेज इट टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 4 m इन 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी जैसे हम मैंने बताया, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम, सो मास इज इक्वल टू 500 ग्राम, इनिशियली एट रेस्ट यू इज 0 m/s, तो इसलिए इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, सो 1/2 kg, ठीक है, या 0.5 भी लिख सकते हैं। कॉजेज इट टू मूव अ डिस्टेंस, तो एस दिया हुआ है इसमें 4 m इन टाइम 2 सेकेंड, देखिए 2 सेकेंड दिया है अभी टाइम, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, मास वी यू टी चाहिए, है ना, वी तो दिया नहीं है, यू दिया है, टाइम भी दिया है, मास भी दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, फिर एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वी माइनस यू बाई टी, तो वो भी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया है, देखिए डिस्टेंस ऑफ 4 m, तो इसका मतलब ये जो ये है ना, ये हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, अभी ये दोनों में से एक यूज़ करना है, लेकिन आप देखिए टाइम दिया हुआ है, तो टाइम दिया है, सो लास्ट जो इक्वेशन है इसमें टाइम नहीं है, तो ये यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है, तो ये हम यूज़ करते हैं, एस दिया है, टाइम दिया है, और इसमें देखिए एक्सेलरेशन आने का चांस हो गया। अब एक्सेलरेशन आ जाता है तो फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ थॉट प्रोसेस है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला लगाना है। तो कौन सा फार्मूला मैंने बताया, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t² लगाइए। तो एस हो गया 4, यू देखिए 0 है, 0 × टाइम 2 सेकेंड्स, नहीं भी लिख सकते हैं इसको आप चाहते हैं तो, 1/2 a नहीं मालूम, टाइम 2 स्क्वायर, सो आ गया 4 इक्वल्स टू 1/2 × a × 4, 2, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गया 4/2,
दैट इज़ 2 meter per second square। अभी हमारे पास कितना आया एक्सेलरेशन, तो आ गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दीजिए, सो हाफ इनटू 2 तो कितना हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पर केजी में कन्वर्ट किए हैं और यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ऐसा यूनिट में हैं, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यदि डिस्टेंस भी दिया है फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया।